कि परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश में ज्योतियाँ हों और ये चिन्हों समयों दिनों एवं वर्षों के लिए होगा। और आकाश में ज्योतियाँ हों जिससे पृथ्वी को प्रकाश मिले और ऐसा ही हो गया। परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई, बड़ी ज्योति को दिन में तथा छोटी ज्योति को रात में राज करने हेतु बनाया और परमेश्वर ने तारे भी बनाए। इन सभी को परमेश्वर ने आकाश में स्थिर किया कि ये पृथ्वी को रोशनी देते रहें ताकि दिन और रात अपना काम पूरा कर सकें। और रोशनी अंधकार से अलग हो और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। और शाम हुई, फिर सुबह हुई, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा पानी में पानी के जंतु और आकाश में उड़ने वाले पक्षी भर जाएं। परमेश्वर ने बड़े बड़े समुद्री जीवों तथा सब जाति के जंतुओं को भी बनाया और समुद्र को समुद्री जीवों से भर दिया तथा सब जाति के पक्षियों को भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा यह अच्छा है। इन्हें परमेश्वर ने यह कहकर आशीष दी समुद्र में सभी जंतु तथा पक्षी पृथ्वी में भर जाए। तब शाम हुई, फिर सुबह हुई और इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। हमारे एसके मसीह चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।